नेक्स्ट uh, जो ग्रुप है वर्टिब्रेट्स uh, का दैर इज आर द रेप्टाइल्स तो उसी के हिसाब से वी विल डिस्कसिंग दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन मैमल्स और यहाँ पे मैमल्स uh, जो हैं वो हम एग्ज़ाम्पल uh, के तौर पे ह्यूमन वुड बी द मैमल और इसमें मैमल इन टोटल दैट इज़ इन टोटैलिटी बहुत अर्ली मैमल्स का जिक्र करेंगे और उसके बाद जो भी हम बात करेंगे दैट विल बी अबाउट द ह्यूमन मोस्ट प्रेम मैम्स जो कि मोनोट्रीम्स कहलाते हैं और दे आर दिल प्लेट एंड ईटर सो दीज आर दोस्ट प्रेमल्स हैं दीज आर दैमल्स मोनोट्रीम्स विच आर बिटवीन द बर्ड्स एंड द मैमल्स क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बर्ड्स के हैं देगस और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मैमल्स के हैं बिकॉज दे हैव देयर इन द बॉडी और बकिया डेवलपमेंट जो है वो भी मैमल्स की तरह की है तो दे ले एग्स एज डू द रेप्टाइल्स फ्रॉम विच दे इवॉल्व ये असल में अगर हम कहें तो ये रेप्टाइल से ही इवॉल्व हैं और इसलिए उनके कैरेक्टर्स जो हैं अब भी उनके साथ कैरी कर रहे हैं और कुछ अगले हिम अगले ग्रुप के विच इज दैर ऑफ द मैमल्स नाउ दी ऑल मैमल्स आर वी वी पैरस और वी पैरस वो एनिमल्स होते हैं Uh, जिनकी डेवलपमेंट इंटरनल हो और uh, उसकी फिर दे हैव वेरी इज़ कांटेक्ट विद द मदर और अर्ली uh, कॉन्टेक्ट आप कह सकते हैं और ये नॉन प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनके वो कॉन्टेक्ट डिवेलप नहीं हुआ जिस तरह की हायर मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन होता है द दमिलियन वीवी पैरिटी वॉज अनदर मेजर इन फॉर्म्स ये दिस इज अगेनूशनरीशन है और इसके अंदर पहला ग्रुप जो है वो तो मारसुपियल्स का है मारियल्स वो मैमल्स हैं वो भी एक लिहाज से अर्ली मैमल्स भी हैं जिनका पाउच होता है और uh, जो यंग वन जो वन दे आर गिवन बर्थ तो वो अपनी टेल की मदद से वो अपने पाउच में जो उसके वेंट्रल साइड पर होता है वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड होते हैं और वहाँ पर एक कंफर्टेबल इन्वामेंट है वहाँ पे उसकी अर्ली ग्रोथ होती क्योंकि दे गिव बर्थ टू वेरी अर्ली वेरी वीक कंडीशंस में उनकी बर्थ हो जाती है तो आर द मार्सुपियल्स दे डेवलप्ड दी एबिलिटी टू नरिश देयर यंग इन ए पाउच आफ्टर ए शॉर्ट जेस्टेशन इन साइड द फीमेल इनका जेस्टेशन पीरियड ये बहुत कम है यानी यूट्राइन एक स्टे है वो बहुत कम है और उसके बाद इसलिए मैंने कहा कि They are given birth to very weak young ones and then further development you have that is within this pouch or the pocket, which is in fact the out-pocketing of skin. And the next group hai, There is the placentals, much larger group. They retain the young inside the female where the mother nourishes them by means of uh, placenta. So, early gestation period. Ke andar hi, बल्कि यूं समझें इन तो वेरी अर्ली डेज ये जो ग्रोइंग या अर्ली जो एक फीटल कंडीशन जो बन जाती है और या एम्ब्रियो होता है उस वक़्त इन फैक्ट बेस्ट वर्ड इज द एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही एक कांटेक्ट मदर के साथ डेवलप हो जाता है जैसे हम प्लेसेंटा कहते हैं और उसी हवाले से दीज आर द एनिमल्स वी कॉल द मैमल्स नाउ इवन आफ्टर बर्थ द मैमल्स कॉन्टिन्यू टू नरिश देर यंग और ये हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द मदर्स जो हैं वो दे देर और दे आर वेल प्रोटेक्टेड गिवन मैक्सिमम केयर मैक्सिमम कंफर्ट नाउ सम सम्स समे नर्चर दे आर यंग टिल एडल्ट दे आर एबल टू सिक्योर फॉर देम सेल्फ जैसे यहाँ तक हम कह सकते हैं एडल्टुड तक बाज जो ह्यूमन बेबीज हैं ह्यूमन अब देखो एक और चीज़ ह्यूमन बेबी एक होती है पोस्ट नेटल और एक होती है प्री नेटल प्री नेटल तो बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसके बाद जो पोस्ट नेटल है जहाँ पे हम न्यू बॉर्न बेबी जिसे हम न्यू कहते हैं उसके बाद फिर आफ्टर वन ईयर ये बन जाता इन्फेंट बन जाता है इनफेंट के बाद फिर तीन साल के बाद वो टॉडलर बन जाता है बल्कि तीन साल से पहले ही टॉडलर यानी दट स्टार्ट्स क्रॉलिंग ऑन टू द ग्राउंड और उसके बाद फिर प्री स्कूल की स्टेज आती है जो कि फाइव ईयर्स तक है और उसके बाद फिर वो स्कूल गोइंग हो जाता है तो दीज आर द फाइव डिफरेंट स्टेज आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और जो मदर्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं वो वो Uh, जो पोस्ट नेटल का भी पूरी तरह ख्याल रखते हैं और ये किसी और मैमल्स के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि दीज आर इसने पूरी दुनिया को काबू करना है वो इसलिए दे आर दे आर फुली आ यू, दे आर फुली नर्स्ड दे आर फुली नर्चरड दे आर फुली प्रोटेक्टेड दे आर उन्हें हम तालीम भी देनी होती है तरबियत भी देनी होती है, ये सब कुछ वो इसी दिस इज द मोस्ट एक्टिव पीरियड और बाज केसेस में तो आफ्टर द ये चलता है काम ये प्रोटेक्शन का चलता है टिल कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए तो सब मेमल यहाँ जैसे कहा कि यंग जो एडल्ट तक एडल्ट क्या होती है वेन ए पर्सन बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस तो देट इज़ दसन्स जहाँ तक और वन ए पर्सन बिकम्स एबल टू रिप्रोड्यूस वो फिर क्या लाता है adulthood. ये अक्सर इंटरव्यूज़ uh, में पूछा जाता है अगर तो वो वो interviewer ये इंटरव्यू से ये पूछता है आर यू एडल्ट तो वो उस वक़्त अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं शर्मा जाते हैं तो ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इसका हमें जवाब ज़रूर आना चाहिए यही है कि वेन ए पर्सन ही आर शी एबल टू रिप्रोड्यूस तो तब हम कहते हैं कि वो एडल्ट हो गया है या इट हैज एंटर्ड दो दिस इज ऑल द रिप्रोडक्शन इन मैमल्स दिस इज ऑल अबाउट